रावला में हुई स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा, 3 नवंबर को रायसिंह नगर में बैठक, IGNP व गंग कैनाल के जुटेंगे किसान, 2004 में हुए आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देते किसान नेता, सभा में उपस्थित हुआ जनसमूह। माकपा नेताओं ने कहा कि वर्ष 2004 में सिंचाई पानी की मांग को लेकर 7 किसानों को जान गंवानी पड़ी थी, हम उनकी इस कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। IGNP के पहले चरण में रबी फसलों के पकाव तक पूरा पानी हर हाल में लेकर ही रहेंगे। और माकपा के नेताओं ने कहा 2004 में आंदोलन का समर्थन करने वाले कांग्रेस की अब राज्य में सरकार है, लेकिन अब फिर रबी फसल के पकाव को लेकर हमें आंदोलन की रणनीति तैयार करनी पड़ रही है, यह कांग्रेस की दोगली नीति है। पूर्व विधायक पवन दुग्गल ने आरोप लगाया कि भाजपा के राज में कांग्रेस ने सिंचाई पानी की मांग को लेकर आंदोलन का दावा किया था, कांग्रेस नेता विधायक और राज्य सरकार चुप बैठी है, और कहा कि अनूपगढ़ शाखा RJD सूरतगढ़ ब्रांच पूगल ब्रांच की नहरों के लिए रबी फसल में 3 में 1 ग्रुप की नहर में पानी को रेगुलेशन तय कर किसानों को खेती से वंचित करने का प्रयास किया है। इस रेगुलेशन पर कांग्रेसी नेताओं ने मौन धारण कर रखा है। 3 नवंबर को रायसिंह नगर में गंग कैनाल IGNP के किसान एकजुट होकर आंदोलन का आगाज करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सरकार को चेतावनी देते हुए कहना चाहते हैं कि अगर 3 में से 1 ग्रुप पानी देने के बजाय 4 में से 2 ग्रुप सिंचाई पानी नहीं दिया तो माकपा किसानों को साथ लेकर फिर 2004 की तरह आंदोलन करेगी। इस सभा में पूर्व विधायक पवन दुग्गल, पार्टी जिला सचिव शिवपत मेघवाल, विष्णु भांबू, राजू जाट, किसान सभा के जिला अध्यक्ष कालू थोरी, राकेश ठोलिया, अशोक गोदारा, संत लेखा सिंह के पुत्र राम सिंह, लक्ष्मण सिंह, ठाकरा राम वर्मा, शोभा सिंह ढिल्लो, ओम प्रकाश लहरी, उमेश सिंह, रामचंद्र जाखड़ सहित काफी संख्या में माकपा के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। और श्रद्धांजलि सभा में कम भीड़ जुटने पर माकपा के नेताओं ने कहा कि खेतों में कामकाज अधिक होने के कारण किसान सभा में नहीं आ सके। चले गए आज तो इस इलाके में 7,000 वोट लेने वाला भाई कुलदीप इंदौरा था, आज उसको फिक्र नहीं है, आज उसको इलाके की नरमा की के बाद में गेहूँ की फिक्र नहीं है, आज उनको फिक्र है मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने की। अरे तुम अपनी सरकार बनाओ चाहे नहीं बनाओ, मगर किसान की सरकार को मत उजाड़ो, किसान के खेत को मत उजाड़ो, और अगर किसान के खेत और खलिहान को उजाड़ोगे तो आपकी सरकार भी कैसे उड़ती जाएगी जैसे वसुंधरा की सरकार इस इलाके से उड़ के गई है। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि तमाम साथी पूरी तैयारी करें, जिस दिन ये 3 में 1 रेगुलेशन जारी होगा उसी दिन से इस इलाके के अंदर सरकार और कांग्रेस का जीना हराम करेंगे। जो सत्ता के अंदर लोग बैठे हैं उनको बताएंगे कि अगर पानी नहीं तो इलाके के गांव में भी नहीं घुसने देंगे, इस प्रकार की तैयारी करेंगे। मैं पुनः अपनी तरफ से अपने संघर्ष समिति पार्टी की तरफ से इन महान शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए यही ऐलान करेंगे कि 3 तारीख को 3 नवंबर को हम रायसिंह नगर हमारे साथियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस रेगुलेशन को तोड़ने के लिए उनका साथ देंगे। और रायसिंह नगर और विजयनगर से जो भी ऐलान होगा वो ऐलान को पूरी ताकत से इस इलाके में लागू करेंगे। मगर ये तय है और इसी 27 अक्टूबर को इसी शहादत दिवस के ऊपर यही कसम खा के अपने घर जाएंगे कि जब तक रेगुलेशन नहीं टूटेगा, अशोक गहलोत झक मार के नहीं तोड़ेगा, तब तक न चैन से बैठेंगे और न सरकार के प्रशासन को चैन से बैठने देंगे। इसी तैयारी और इसी कसम के साथ आगे के आंदोलन को हमारे साथियों के नेतृत्व में लड़ते हुए इस इलाके में सिंचाई पानी का प्रबंध इस रेगुलेशन तोड़ को करेंगे। आप सब पधारे हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम और हमारी तरफ से इन तमाम शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि, इनके तमाम जो इन्होंने सपने देखे थे, जिस कुर्बानी पे इन्होंने मोर लगाई थी, उसी कुर्बानी को आगे बढ़ाते इस इलाके को हरा भरा रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।